2023 जी इलेक्शन दोस्तों पाकिस्तान जी तारीख में एक नओ बाब हुंदो थी सके तो इमरान खान नवाज शरीफ ए आसिफ अलजरदारी लाए ही इलेक्शन आखिरी हुजे अल्लाह इन्हें के वड़ी उम्र दे पर रिटायरमेंट जिंदगी जो हिस्सो है 2023 में नवाज शरीफ ए इमरान खान 70 साल की उम्र क्रॉस करे वेंदा जैंका बाद असा के पाकिस्तानी सियासत में नवा चेहरा नजर इंदा या नयू पार्टियों भी नजर अची सकन थियूं। अस्सलाम वालेकुम सिंधी इन्फो ते भलीकार आऊं आहियां अब्दुल कयूम। इन वीडियो में दिसंदासी त 2023 जी तारीखी इलेक्शन पाकिस्तान में केर खटंदो या सिंध में पीपी बीहर हुकूमत ठाहे सघंदी या न। वीडियो के आखिर ताईं ॾिसंदा, लाइक कमेंट ऐं चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कंदा। इन वक्त सिंध की सूबाई हुकूमत का सिवाय पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, पर उहे बि पीटीआई हुकूमत जा इतिहादी आहिनि। दोस्तों इमरान खान की पार्टी तरफा बयान अची रहा है तो असि अगली मंजिल सिंध है। 2023 की इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत ठाईंदी। सिंध में ये पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर है। जैसे एमके अल्ताफ की कराची से छुट्टी, नवाज शरीफ की लाहौर से छुट्टी, सिंध से जरदारी एंड कंपनी की छुट्टी। पाकिस्तान की तारीख में जैं भी पार्टी बीहर इलेक्शन कराई है वह पार्टी इलेक्शन हराए वही है। लगातार ब चक्कर कें भी पार्टी न खटो है या पेंो मुद्दों पूरा किया है। दोस्तों 2013 की इलेक्शन में हुकूमती दुर पीपी के पीएमएल हथा शिकस्त मिली। 2018 में वरी पीएमएल के पीटीआई तरफा शिकस्त मिली। हाँ दिसजे तो 2023 में हुकूमत में वेठल पीटीआई खटंदी या वरी अपोजिशन में का पार्टी। ग्राउंड के दिसजे तो पीटीआई वरी तब्दीली जो बुखार आवाम तां लही चुको है या इमरान खान पेंजा वायदा वफा न कर सको है। पर इमरान खान लाइ खुशखबरी ही आहे तो हन सामू अपोजिशन कमजोर है। पीएमएल वट मजबूत लीडरशिप ना है। मरियम नवाज ए शाहबाज शरीफ जो लीडरशिप ते बे गेड़ है। पार्टी बिन धड़न में विरहल नजर अचे थी। पीपी की वह पोजिशन न रही है जो सिंध का बाहर खटी सकन। पर जैसे पीटीआई खिलाफ पीडीएम जो इतिहाद ठे तो वह पीटीआई खिलाफ गजी इलेक्शन विढ़न था तो पीटीआई लाइ खतरे की घंटी है। या नवाज शरीफ वापस अचे तो इलेक्शन में हिस्सों वे तो पीटीआई लाइ मुश्किल थी। पर पीडीएम की गजल हुकूमत इंदड़ 5 साल पूरा कंदी यो भी सवालिया निशान है। दोस्तों पाकिस्तान की कौमी असेंबली में 342 में 173 सीटों पंजाब वटन जो मतलब है जी पार्टी पंजाब खटी वही उन 2023 इलेक्शन खटने जहाँ चांस इतने असा के यो न विसारण घुर्जे तो पीटीआई पंजाब के टोड़ने जो सोचे रही है। जैसे इलेक्शन का अग जनूबी पंजाब ठही वे तो पंजाब जो सीटू वंडजी वेंदू जो फायदो पीटीआई के मिलो। नए सूबे ठहण से सरेकी कौम जो वोट भी पीटीआई के मिलो जैसा 2023 लाइ पीटीआई जो पलड़ो भारी थी। जैसे सिंध के दिसूं था तो अजा तई कोई इतिहाद या का पार्टी नजर नी अचे पीपी से सिंध में मुकाबलो करे। पर असा के यो न विसारण घुर्जे तो पंजाब भी मुस्लिम लीग नून जो किलो हो। इन मेट्रो बस मोटरवेज रोड रस्ता खोड़ दिना पर वरी भी पीटीआई पंजाब में कामयाब थी वही। पंजाब के मुकाबले में सिंध में वह तरक्की भी नी है। सिंधी मानू पीपी का मुतमिन नजर नो अचे। जैसे पीटीआई सिंध में सीरियस थी लहे थी, नंढा वा इतिहाद जोड़े वा वा जलसा करे थी तो पीपी के सिंध में डैमेज अची सके तो। दोस्तों मुख्तलिफ सर्वेज ए तजिया दिसूँ था तो इन वक्त तई 2023 की इलेक्शन लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत नजर अचे थी। सिंध में बीहर पीपी नजर अची रही है। पर जैसे कौम परस्त जीडीए जेयूआई पीटीआई मिली वन था तो सिंध में भी बेहतरीन मुकाबलो थो। कमेंट में बुधायो तो 2023 की इलेक्शन केर खटंदो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ए चैनल के सब्सक्राइब जरूर कंदा। मिलंदासी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।